उसको आज व्यक्ति क्यों जयराम माधव जान रहा है। 1932 क्या है, 1932 जान लीजिए, बहुत बहुत करता है 1932 हम माथा में लिखा लिया। आज पुलिस हमको क्यों नहीं पकड़ता है, जो जानता है वो बोलता है अच्छा है, मगर जो जानता नहीं है वो बोलता है कि क्या करा लिया अच्छा चेहरा को। अरे अच्छा चेहरा को हम नौकरी मिलता तो हम ये सब कराते हैं, या हम गाड़ी में देखिए पूरा लिखा लिए, गाड़ी में हम क्यों लिखा है। ऐसा कोई माइक लाल है कि 1932 लिखा के चले, डरे से लगता है कि पुलिस से डरता है, वो हम लोग को नौकर है, वो उसका कुछ है गलत करें, किसी का बेटी बहन के छह है, घर में कहीं भी अभी जाते हैं, अभी हमको लड़ा हो गया, हमको शादी हो गया, मगर क्या है? आने नहीं देता था, मतलब बैग उठाए बड़ा तो सोच रहा है कि कहीं रामगढ़ चले, मगर हम रामगढ़ जाएंगे क्योंकि उधर भी विस्तार है, वहाँ जाएंगे और जयराम महतो कहीं भी रहे सभा पहुँचेगा संतोष महतो। आप लोग के बोल रहे हैं दारू और हाड़ी दारू में नहीं बिकिए, बस इतने बोलेंगे, और आप लोग ऐसे भी समझदार हैं, और मेरा चैनल RSP ब्लॉग, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। क्रांतिकारी संतोष महतो है, वो दो शब्द आके बोलेंगे कुछ। सबसे पहले खतियानी जवाहर रहेगा सभी को कर, और बचरा पंचायत उत्तरी हम लोग सबको आज बैठक है जेबी केसेस का, तो सबका खतियानी जवाहर रहेगा। और देखिए 60-40 बहुत कोई नहीं समझता, और हम लोग पढ़े लिखे है युवा है, वो लोग भी नहीं जानता 60-40 क्या है। सबसे पहले 60-40 है कि मान के चलिए झारखंड में 100 गज सीट है, तो 100 में हम लोग का 60 हम लोग का मिल रहा है और 40 बाहर के मिल रहा है, मतलब 40 क्यों बाहर के देगा। झारखंड हम लोग का है, झारखंड का हम लोग का यहाँ खून बहा है, कटा है, मरा है झारखंड लेने के लिए, तो झारखंड अलग ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हम लोग का जो आवाज उठता था पटना में या बिहार में वो हम लोग के घर तक नहीं पहुंचता था, इसीलिए बंटवारा हुआ। एग्जाम्पल समझिए, जैसे भाई भाई में अलग होता है तो क्यों होता है, क्योंकि उन लोग में जनसंख्या ज्यादा हो जाने के कारण बंटवारा हो जाता है दोनों में, वैसे ही बंटवारा हो गया झारखंड बिहार, तो पहले हम लोग झारखंड को मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर को मिलेगा। जैसे हम लोग का फिर एक उदाहरण थे, जैसे खाने के लिए एक थाली में हम लोग का परसा हुआ है, तो पूरा हमको पेट भरेगा तभी दूसरा को देंगे, और नहीं भरेगा तो भाई हम एक रोटी भी नहीं देंगे। इसीलिए अभी आए हैं राजू दा जो टंडवा से आए हैं हम लोग का चल के पंचायत विस्तार करने के लिए, तो सबको इसी बात को जो जयराम महतो आवाज उठाए, जो नियम बनाएंगे, नियम कुछ नहीं हम लोग का ना है, मुखिया एक हम लोग जब हम लोग का चुनाव हो रहा था तो हम लोग एकता कुछ नहीं है, तो बिहार के एक लेडीज आकर हम लोग के पंचायत लेवल में मुखिया बन जाना बहुत ही उसके लिए गर्व है और हम लोग के लिए शर्मदायक है। हम लोग ये होता है कि मुखिया जब चुनाव होता है तो पांच लोग उठ जाएगा हम ही लोग में, तो पांच लोग उठ जाएगा लोकल में और एक बाहरिया रहेगा, तो वोट किसका ज्यादा हो जाएगा, बाहरिया। इसीलिए मुखिया के चुनाव हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, एकता बहुत जरूरी है और एकता में ही बल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दूसरा का बहकावा में नहीं आना है। आज हम लोग 23-24 साल हो गया झारखंड में, कुछ विकास नहीं हुआ, यहाँ रोड एक बार बना हुआ है तो रोड नहीं बना हुआ है, वहाँ देखना अमा प्रसाद थोड़ी हुआ है जी, अमा प्रसाद के होते हुए एक बोरिंग नहीं हुआ है हम लोग के गांव में, तो हम लोग उसको जिताए क्यों, क्योंकि हम लोग के विकास हो या हम लोग को उससे कुछ हो, तो उन लोग के भी जाएंगे तो अभी खुला हुआ है टंडवा हो गया, NTPC हो गया पूरा खुला हुआ है, वो लोग तो बोरा बोरा समट लिया, फिर अभी चुनाव रहा है आएगा गोट वोट पड़ेगा और उसके बाद वोट ले जाएगा, मगर वैसा नहीं करना है। और शिक्षा हम लोग के में कमी है, और जो पढ़ा लिखा है वो जयराम महतो के जान रहा है, और हर घर में आवाज उठना चाहिए और ये चर्चा कीजिए, अभी जयराम महतो है कुछ नहीं, तो जयराम महतो घर से हम लोग जाके आए हैं, जयराम महतो घर में कुछ नहीं है, दो रूम है और खपरेला घर है बस,
और उसी में अभी जीवन अपन चल रहा है। और वो मीटिंग भी कहाँ लेता है, जो ग्राउंड में खेलता है वही ग्राउंड में बचपन से, वही आदमी आता है, वही सबको मिलता है। इसीलिए बोल रहे हैं उसका पास कुछ नहीं है, बिकने का रहता जयराम मातो को, उसको पार्टी बहुत मिल रहा है, करोड़ों में भी खरीदा जाता है और अपना जिंदगी बना लेता। मगर वो सवाल क्या करना है वो व्यक्ति बता दिया है कि आज जयराम मातो हम भी हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते थे, जो होता था होने देते थे। मगर सवाल क्या करना है, कोई भी है, मुखिया रहे या कुछ रहे या अम्मा प्रसाद रहे, तो करने के लिए संतोष मातो रेडी है। चलो बड़ो हम लोग के गाँव में पडरिया में आया तो उसको